Friends, meet Pragya. Today we are going to study English Unit 1, Ice Cream Man. Let's start to open. When summer's in the city and takes a breeze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसका मतलब है जब गर्मी का मौसम आता है तो शहर गांव सब जगह पूरी गर्मी गर्मी होती है तो उसी में वो सबका घर होता है जो सबका ब्रेक घर का ब्रेक होता है वो हीट हो जाता है ठीक है और उसी टाइम आइसक्रीम मैन आते हैं अपने लिटिल कार्ट में ठीक है जो ट्रंकलिंग डाउन द स्ट्रीट्स का मतलब जो उनके छोटे छोटे पहिया होते हैं वो राउंड रन होकर गली गली अपने आप ही चलने लगता है ठीक है बीनीथ द राउंड अम्ब्रेला Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. इसका मतलब है बीनीथ का मतलब होता है किसी के नीचे अगर हम ट्री के नीचे हैं तो हम लोग कहेंगे वी आर बीनीथ द ट्री हम लोग पेड़ के नीचे हैं ठीक है तो वही बोले हैं जो उनका राउंड राउंड अम्ब्रेला होता है ना उसके नीचे क्या होता है बिल्कुल जॉयफुल साइट होता है मतलब वह एंजॉयिंग साइट होता है क्या होता है आइसक्रीम होता है जो कार्ट होता है बड़ा सा होता है और उसी के अंदर आइसक्रीम रहता है तो वही बोलते हैं ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंड ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट इसका मतलब है जो काउंट्स भरते हैं उनका जो ब्राउनिंग होता है माउंट्स का मतलब होता है एक चम्मच उठाना फिर डालना इसका कहते हैं माउंट्स ठीक है वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रेस्टी फीज ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक इसका मतलब है वो कौन से फ्लेवर लाते हैं वेनिला लाते हैं चॉकलेट लाते हैं स्ट्रॉबेरी लाते हैं और बटर स्कॉच लाते हैं और एक्सेट्रा लाते हैं और चिली थिंग्स लाते हैं ड्रिंक करने के लिए फ्रॉस्टी पीस का मतलब क्या होता है जो ड्रिंक्स होती हैं एग्जांपल कोका कोला और थम्स अप होता है ठीक है और एक्सेट्रा ये सब लाते हैं और कौन से फ्लेवर होता है ग्रीन होता है ऑरेंज होता है वाइट होता है और पिंक होता है उनके पास ठीक है हिज कार्ट माइट टू बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस The way the children cluster around as thick as honeybees. इसका मतलब है जैसे ही आते हैं आइसक्रीम मैन हमको भी अच्छा लगता है हमको भी सबको अच्छा लगता है आइसक्रीम तो सब लोग जमा हो जाते हैं बच्चे लोग और आइसक्रीम मैन आते तो खुद ही पर पता चल जाते हैं क्योंकि वो अपना बेल बजाते हैं मतलब अपना घंटी बजाते हैं इसे हमें पता चल जाता है और बच्चों की शॉर्ट शॉर्ट आवाज़ें आती हैं ठीक है और ये बोल रहे हैं एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे बच्चे जमा हो जाते हैं वैसे एग्जाम्पल है कि जैसे हनी बीज अपने फ्लावर बेड पर नहीं जाती मतलब रोजेस चूसने जाती हैं वैसे ही सब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं ठीक है और क्लस्टर अराउंड का मतलब होता है उनके पूरे अराउंड पूरे हो जाते हैं जमा हो जाते हैं उसको कहते हैं क्लस्टर और ये बनाए हैं रेचल फील्ड में ठीक है और वर्ड मीनिंग क्या है ब्लेज ब्लेज का मतलब क्या होता है फायर मतलब बहुत तेज गर्मी ठीक है उसको कहते हैं हम ब्लेज और ट्रंडलिंग का मतलब तो मैं बता रही थी कि छोटे छोटे जो पहिया हैं वो घूमते रहते हैं अपने आप अराउंड करते रहते हैं उसको कहते हैं हम ट्रंडलिंग और माउंट्स का मतलब मैं बता रही थी कि एक चम्मच लेते हैं उठाते हैं और डालते हैं उसको कहते हैं हम पाइप ठीक है और फ्रस्टी पीस का भी मैं बता रही थी कि बबलिंग साउंड कहते हैं इंग्लिश में और क्लस्टर का भी मैं बता रही थी कि ग्रुप अराउंड होता है ठीक है गैदर अराउंड होता है और यहाँ क्वेश्चन आंसर भी है विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर इसका मतलब है कि कब आइसक्रीम बिकती है समर में बिकती है ये तो सबको पता है ठीक है हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन कौन करता है चिल्ड्रन जॉयफुल होते हैं
एक्साइटेड होते हैं, आइसक्रीम मैन का इंतजार करते हैं, ठीक है। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। दादी थी, वेनिला होता है, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, बटर स्कॉच होता है एंड एक्सेट्रा होता है। और व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोयम, किससे कंपेयर किए थे आइसक्रीम कार्ट को, फ्लावर बेड से कंपेयर किए थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।